होल व्हीट स्क्वायर पराठाज, आटा गूंधा हुआ। इसका लिंक रेसिपी का डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। खुश्की के लिए आटा, घी, अब सूखे हुए आटे को रोलिंग बोर्ड पे डाल दें और इसके पेड़े बना लें आटे के। इनको अच्छी तरह से अपने हाथों से उंगलियों के दरमियान इसको प्रेस करते जाएं और इसकी स्मूथ और बिल्कुल गोल पेड़े बना लें कि इस पे कोई क्रैक ना हो। अब ये सारे पेड़े बन गए हैं। इनको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और इनको कवर करके रखें ताकि ये ड्राई ना हो। अब एक एक पेड़ निकालें और इसको रोलिंग बोर्ड पे थोड़ी सी खुश्की डाल के और इसको हाथ की मदद से बढ़ा लें और फिर इसको फ्लैट कर लें। और अब इसको बेल लें, इसको अच्छी तरह से बेल लें कि ये खुद ही जो है मूव होता चला जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और अगर मुश्किल लगे तो इस पर थोड़ी सी खुश्की छिड़क दें और दोबारा बेल लें इसको। इसको अच्छी तरह से बेल लें कि इस ये तकरीबन 5 to 6 inch का इसका डायमीटर होगा सर्कुलर और इसकी 1/4 inch थिकनेस होगी। अब इसके ऊपर चम्मच से या किसी ब्रश से घी या ऑयल को अच्छी तरह से फैला के लगा दें। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्की छिड़क दें। अब इसको ऊपर से एक तरफ से बीच में ले आएं, दूसरी तरफ से इसको ला के ओवरलैप कर दें और फिर जो नीचे का हिस्सा था उसको बीच में ले आएं और ऊपर वाले हिस्से को भी इसके ऊपर ला के ओवरलैप कर दें और ये स्क्वायर आपका पेड़ा तैयार है। और इसको हाथ से हल्का सा दबा दें, इसी तरह से सारे पेड़े बना लें और उनको भी कवर करके रख दें किसी क्लिंग से या किचन टॉवल से ताकि वो ड्राई ना हो। इनको भी 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लें। और अब रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा घी लगा दें और इस पेड़े को एक एक पेड़े को उठा लें और इसको हल्का सा उंगलियों से दबा के और बेल लें। इसको स्क्वायर पराठे की शेप देनी है और इसको हल्का हल्का सब तरफ से चारों तरफ से इसको बेल लें कि ये इवनली जो है ये बिल जाए। अब इसको आहिस्ता से उठा के तवे पे डाल दें। तवा गरम होना चाहिए। अब ये एक तरफ से ये पक गया है, इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं, इसको पलट दें। अब इसमें साइड पे घी डालें और ऊपर भी ज़रा सा घी लगा दें और इसको पकने दें। इसको सब तरफ घुमाते जाएं और चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का दबाते जाएं ताकि ये फूल जाएगा। अब ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा ये फूल रहा है। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएगा नीचे की साइड इसकी तो इसको पलट दें, ये ब्राउन हो गया है। और अब दूसरी साइड भी इसकी सेक लें। सब तरफ से इसको हल्का हल्का दबाते जाएं किनारे और बीच से, इसमें लेयर्स बहुत अच्छी आ जाएंगी और ये बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन इस पे कलर आएगा। अब दोबारा इसको पलट दें, 2 से 3 दफ़ा इसको पलट दें और इसको घुमा घुमा के सेकना है ताकि अच्छी तरह से ये सेक जाए। अब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें और कवर कर दें ताकि ये गर्म रहे। और ये हमारे मज़ेदार सॉफ्ट और इजी फ्लेकी पराठे तैयार हैं। इनको गर्मा गर्म सर्व करें किसी अचार के साथ, सब्ज़ी की तरकारी, क़ीमा या ऑमलेट वग़ैरह के साथ, और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एंजॉय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।